हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टेरेंसिक लोन। और अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलप होता है हमारे एक्टोडर्म से और थ्री ब्रेन में जाएगा अगले स्टेज में प्रोजेंसेफेलोन यानी कि फोर ब्रेन। और इसके दो पार्ट होते हैं टेरेंसेफेलोन और डाइनसेफेलोन। तो जो टेरेंसेफेलोन है उसमें आता है हमारा सेरेब्रम और लेटरल वेंट्रिकल। सो आज हम देखेंगे सेरेब्रम। तो सेरेब्रम में दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से व्हाइट मैटर से। और इसमें थ्री पोल्स होते हैं लाइक फ्रंटल पोल, ऑक्सिपिटल पोल, फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल और एक होता है ऑक्सिपिटल पोल। और हम इसके सरफेस की बात करें, इसमें तीन सरफेसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट और लेफ्ट कैसे पहचानते हैं। जैसे कि ये है, ये हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जो हमारा इसमें इंटीरियर साइड होता है ये जेनू, जेनू जो कि एक ब्रॉड पार्ट है कॉर्पस कैलोजम का। और पोस्टीरियर साइड में टेंटोरल सरफेस होता है और एक होता है यहाँ पर हमारा ये पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, जो कि हम देख सकते हैं। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि जो हमारा पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस है वो पोस्टर साइड होता है, और जो हमारा इसका सुपरलेटरल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो मीडियल सरफेस है वो फ्लैट होता है। तो ये फीचर हमको को हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि ये राइट है और लेफ्ट है। तो इसके थ्री सरफेस होते हैं, ये मीडियल सरफेस है और ये सुपरलेटरल सरफेस, और ये हमारा इंफीरियर सरफेस है। इंफीरियर सरफेस के दो पार्ट होते हैं, जो एंटीरियर वाले को बोलते हैं हम ऑर्बिटल सरफेस, और जो पोस्टर है उसको बोलते हैं हम टेंटोरियल सरफेस। अब इसमें थ्री बॉर्डर्स होते हैं, ये हमारा सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, और ये होता है हमारा इन्फ्रोमीडियल बॉर्डर, और एक होता है हमारा इन्फ्रोलेटरल बॉर्डर। अब हम बात करते हैं इसमें लोब्स की। जैसे कि इसमें एक फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, और एक ऑक्सिपिटल लोब होती है। अब हम बात करते हैं इसमें सल्कस एंड गायराइड की। अब जैसे कि जो हमारा इसमें एक होता है सेंट्रल सल्कस, जो कि एक अनइंटरप्टेड सल्कस है, और फिर एक होता है हमारा यहाँ पे एक लेटरल सल्कस, जैसे कि हम उसको देख सकते हैं इसमें, ये होता है हमारा लेटरल सल्कस। और फिर ये है हमारा पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, और ये है हमारे इधर एक प्री ऑक्सिपिटल नोच। अगर हम इस प्री ऑक्सिपिटल नोच से इस पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उससे हमारा ऑक्सिपिटल लोब सेपरेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे सेपरेट करते हैं। अब जैसे कि जो हमारा सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे जो लोब होता है उसको बोलते हैं हम फ्रंटल लोब, और सेंट्रल सल्कस के पीछे जो लोब होता है उसको बोलते हैं हम पैराइटल लोब, जो कि हमारी ऑक्सिपिटल लोब से सेपरेट होता है फर्स्ट इमेजिनरी लाइन से, जो कि बिटवीन है पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस दिस वन और प्री ऑक्सिपिटल नोच, और जो इनफेरियर लिमिटेड होती है हमारे जो लेटरल सल्कस होता है उससे। और जो हमारा लेटरल सल्कस है पोस्टर, उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेकेंड इमेजिनरी लाइन है अंटिल इट मीट फर्स्ट इमेजिनरी लाइन। तो उसके नीचे होता है हमारे टेम्पोरल लोब, और एक लोब होती है हमारी इंसुलर लोब, जो कि हम देख सकते हैं कि अगर हम लेटरल सल्कस को वाइड करें तो हम एक इंसुलर लोब देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सल्कस और गायरा की, यानी कि सेपरेट लोब्स की। अब जो हमारा सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे होता है प्री सेंट्रल गायरस, और फिर उसके आगे होता है प्री सेंट्रल सल्कस, फिर ये होता है हमारा सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, और ये होता है हमारा इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। तो ये है हमारा सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। जो अब हमारी पैराइटल लोब है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल सल्कस है उसके पीछे होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, फिर उसके पीछे होता है पोस्ट सेंट्रल सल्कस, और फिर उसमें होता है हमारा इंटर पैराइटल सल्कस लाइक दिस। उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, और इन्फीरियर वाले पार्ट को बोलते हैं हम इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब जो हमारी टेम्पोरल लोब है, ये है हमारा लेटरल सल्कस, ये है फिर हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। सो इसमें दो सल्कस एंड तीन गायराई है, सुपीरियर टेम्पोरल गायराई, मिडिल टेम्पोरल गायराई एंड इन्फीरियर टेम्पोरल गायराई। और फिर जो हमारी ऑक्सिपिटल लोब है उसमें दो सल्कस होते हैं, ऑक्सिपिटो मिडिल सल्कस एंड ऑक्सिपिटो लेटरल सल्कस, और दो गायराई होती है ऑक्सिपिटो मिडिल ऑक्सिपिटल गायरस एंड लेटरल ऑक्सिपिटल गायरस। तो जो सल्कस एंड गायराई है ये हमारे सुपरलेटरल सरफेस के हैं। और अगर हम बात करें मिडिल सरफेस के सल्कस एंड गायराई, ये है हमारा कॉर्पस कैलोजम, और कॉर्पस कैलोजम के ऊपर ये होता है हमारा कैलोसल सल्कस, और इसके ऊपर होता है ये हमारा कैलोसल गायरस, फिर इसके ऊपर आता है हमारा एक। सो अब हम देखेंगे सल्कस एंड गायराई ऑन द मिडिल सरफेस, ये है हमारा कॉर्पस कैलोजम, इसके ऊपर होता है हमारा कैलोसल सल्कस, फिर उसके ऊपर होता है हमारा सिंगुलेट गायरस, ये
सिंगुलेट गायरस, फिर उसके ऊपर होता है सिंगुलेट सल्कस। तो जो हमारा सिंगुलेट सल्कस है उसके ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मीडियो फ्रंटल गायरस। और जो हमारा सेंट्रल गायरस है वो हमारे मिडल सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है लाइक दिस। तो जो ये यू शेप का एरिया है इसको बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल, ये एंटीरियर लिंब, ये पोस्टीरियर लिंब। और फिर जो हमारे ऑक्सिपिटल लोब में ये होता है हमारा पैराइट ऑक्सिपिटल सल्कस और ये होता है हमारा कैलक्राइन सल्कस। इन दोनों के बीच में ये होता है हमारा क्यूनियस। और जो पैराइट ऑक्सिपिटल सल्कस के फ्रंट पे होता है उसको बोलते हैं प्री क्यूनियस। और जो कैलक्राइन सल्कस के बाद होता है उसको बोलते हैं लिंगुला। देखेंगे सल्कस एंड गायरे ऑन द इंफेरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये इसका एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। अब जैसे कि यहाँ पर एक होता है हिपोकैम्पल सल्कस और उसके बाद आता है हमारा पैराहिपोकैम्पल गायरस। पैराहिपोकैम्पल गायरस का जो एंटीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं अंकस, जो कि टेम्पोरल लोब से सेपरेट होता है वाया राइनल सल्कस। फिर उसके बाद जो ये सल्कस है इसको बोलते हैं राइनल सल्कस। उसके बाद जो गायरस है इसको बोलते हैं मीडियल ऑक्सिपिटल टेम्पोरल गायरस। अब हम देखेंगे ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम। जो ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रम है वो टू टाइप से होता है, एक लेयर्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है इन द फॉर्म ऑफ बेजल न्यूक्लियाई। सो जो लेयर्स होती है सेरेब्रम की वो सिक्स लेयर होती है, जैसे कि सबसे आउटर होती है हमारी पॉलीमॉर्फिक लेयर, और फिर आती है हमारी एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर एंड एक्सटर्नल पिरामिडा, फिर इंटरनल ग्रेन्यूलर इंटरनल पिरामिडा, और जो हमारी लास्ट वन है उसको बोलते हैं मल्टीफॉर्म लेयर। और जो हमारी फोर्थ लेयर है उसमें हमारे सेंडिंग ट्रैक्ट एंड करते हैं, और जो हमारी फिफ्थ लेयर है उसमें हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड होते हैं। अब देखते हैं हम बेजल न्यूक्लियाई। जो ये पार्ट है ये है हमारा, इसमें ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। अब इसको हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो एंटीरियर साइड होता है। और एक तरीका ये है कि जो ये फाइबर है इसको बोलते हैं फोरसेप माइनर फाइबर, और जो फाइबर है ये उनको बोलते हैं फोरसेप मेजर फाइबर, जो कि हमारे दो ऑक्सिपिटल लोब को कनेक्ट करते हैं। अब बेजल न्यूक्लियाई में एक आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कोलेस्ट्रम, और एक आता है हमारा मैग्डोलोइड बॉडी, जो कि हमारे इन्फेरियर हॉर्न ऑफ द लेटर वेंट्रिकल होता है। अब जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये थैलेमस है, और जो ये वी शेप का एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरनल कैप्सूल, जिसमें दो लिंब होता है एंटीरियर लिंब पोस्टीरियर लिंब, और इन दोनों के बीच में होता है कॉर्निया। अब जो लेटर ये हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इसके दो पार्ट होते हैं, जो ये प्यूटामन और जो ये है इसको बोलते हैं हम ग्लोबस पैलिडस। फिर ग्लोबस पैलिडस के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबस पैलिडस इंटरनम और एक ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नम। फिर पुटामन के बाद जो ये वाइटोमेटर है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कैप्सूल। फिर उसके बाद आता है हमारा कोलेस्ट्रम। फिर कोलेस्ट्रम के बाद आता है हमारा एक्सट्रीम कैप्सूल, और जो उसके बाद जो ग्रे मैटर आता है उसको बोलते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स। सो ये बेजल न्यूक्लियाई है जो कि हमारे स्टार पैलिडस सिस्टम बनाते हैं। वाइट मैटर ऑफ टेंसप्रम। अब जो वाइट मैटर होता है उसमें टू टाइप्स के फाइबर होते हैं। पहले तो व्हाइट मैटर बनना होता है हमारा एक्जोन से और डेंड्राइट से। अब जो व्हाइट मैटर होता है टू टाइप का होता है, सम एसोसिएशन फाइबर और प्रोजेक्शन फाइबर। जो हमारे एसोसिएशन फाइबर होते हैं उसमें कुछ कमिशनल फाइबर होते हैं जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक इसमें हमारा एंटीरियर कमिशनर होता है, एक पोस्टीरियर कमिशनर होता है, और एक होता है इसमें हमारा कॉर्पस कैलोजम। जैसे कि ये जो कॉर्पस कैलोजम है ये हमारे सेम पार्ट को कनेक्ट करेगा दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। अब इसके चार पार्ट होते हैं, जैसे कि रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लीनियम। ओके, अब हम बात करते हैं जो कि हमारे कमिशनल फाइबर है, एंटीरियर कमिशनल फाइबर होता है, एक कॉर्पस कैलोजम जो कि लार्जेस्ट कमिशनर है, और एक पोस्टीरियर कमिशनर। अब हम कुछ एसोसिएशन फाइबर की बात करते हैं जो कि सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिफरेंट लोब को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा सिंगुलम फाइबर जो कि हमारे कनेक्ट करते हैं फ्रंटल को, ऑक्सिपिटल को और टेम्पोरल लोब को। फिर एक होता है हमारा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो कनेक्ट करते हैं हमारे फ्रंटल, इन्फेरियर पैराइटल लोब्यूल, ऑक्सिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्फेरियर लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस ऐसे जो कनेक्ट करता है हमारे टेम्पोरल को फ्रंटल से, टेम्पोरल को ऑक्सिपिटल से। और एक होता है हमारा यहाँ पर एनसिनेट फेसिकुलस जो कनेक्ट करता है हमारे फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से। और एक होता है हमारा ऑक्सिपिटो फ्रंटल फेसिकुलस जो कि हमारे ऑक्सिपिटल लोब को फ्रंटल लोब से कनेक्ट करता है। हम सबसे पहले देखें कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टर कौन सा है। जैसे कि जो इसमें हम ये कॉर्पस कैलोजम है उसमें कुछ फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉर्पस कैलोजम के कुछ फाइबर होते हैं। और जो हमारा पोस्टर साइड है ये होता है यहाँ पे एक टेंटोरल सर्फेस, यानी कि जहाँ पे हमारी सेरेबेलम होती है, तो यहाँ पे एक फोसा होता है लाइक जैसे कि सेरेबेलम फोसा, तो उसका आंसर हम पहचान सकते हैं कि वो पोस्टर साइड होता है, और एंटीरियर साइड जो हमारे कॉर्पस कैलोजम के फाइबर दिखाई देते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर दे सकते हैं बेजल न्यूक्लियाई की, जैसे कि यहाँ पर होता है हमारा क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और ये हमारा थैलेमस है। फिर इन होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद आता है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, उसके बाद एक्सटर्नल कैप्सूल, देन आता है कोलेस्ट्रम, उसके बाद फिर एक्सट्रीम कैप्सूल, और ये हमारा इंसुलर कॉर्टेक्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि बेजल गैंग्लियन की है। अब हम देखते हैं लेटरल वेंट्रिकल।
जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके चार पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट जो कि सेंटर में होता है, और थ्री हॉर्न, एक एंटीरियर हॉर्न, पोस्टर हॉर्न और एक इन्फीरियर हॉर्न, जैसे कि ये एंटीरियर हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न एंड पोस्टर हॉर्न, और ये हो गया हमारा सेंट्रल पार्ट। अब अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें, जो एंटीरियर हॉर्न है वो हमारे इंटीरियर साइड होता है टू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और फोरामेन ऑफ मोनरो, एक फोरामेन होता है जो कनेक्ट करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से। सो उससे आगे जो हॉर्न होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, जिसका फ्लोर बना होता है हमारे हेड ऑफ द क्वाड्रेंट न्यूक्लियस लाइक दिस, एंड जो उसकी एंटीरियर वॉल है वो बनी होती है हमारी जेनू से, और जो फ्लोर है उसकी एंटीरियर वॉल और फ्लोर थोड़ा बनता है हमारे रोस्टम से, और जो उसका रूफ है वो बनता है हमारा मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, और जो उसकी मिडल वाला है वो बनती है हमारी सेप्टम पेलुसिडम से, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर सेप्टम पेलुसिडम। मेनली जो सेप्टम पेलुसिडम होता है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है, उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं केवम सेप्टम पेलुसिडम। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारे बीच में होता है, एंटीरियर बाउंड्री होती है उसकी फोरामेन ऑफ मोनरो और पोस्टीरियर जो कि स्प्लेन के फाइबर्स होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसकी मिडल वाल बनी होती है हमारे सेप्टम पेलुसिडम से, और जो रूफ है उसकी बनती है हमारे कॉर्पस कैलोजम से, और इन्फीरियर वाल जो बनती है हमारी जैसे कि मिडल सरफेस ऑफ द थैलेमस, देन थैलेमस स्टाइवेन, देन उसके साथ एक फाइबर्स होता है स्टाया टर्मिनालिस, देन क्वाड्रेंट न्यूक्लियस जो कि हमारा यानी कि फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट बनाते हैं। जो क्वाड्रेंट न्यूक्लियस है एक सी शेप का न्यूक्लियस होती है। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर हॉर्न की, जो इन्फीरियर हॉर्न है उसकी जो रूफ एंड लेटरल वाल है वो बनते हैं टेपेटम फाइबर से। जो टेपेटम फाइबर होता है वो कॉर्पस कैलोजम के कुछ फाइबर होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को राइट से, और जो उसका फ्लोर है उसमें होते हैं हमारे पेस हिप्पोकैम्पाई, जैसे कि हम देख सकते हैं पेस हिप्पोकैम्पाई, देन हिप्पोकैम्पस, देन एल्वियोलस फाइबराई होती है यहाँ पे, देन कंटिन्यू हो जाता है फोर्निक्स में। तो यहीं पर हमारे कुछ एक गायरस होता है जिसको बोलते हैं डेंटेट गायरस, तो ये फ्लोर हो गया हमारे इन्फीरियर हॉर्न का। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर हॉर्न की, जो पोस्टीरियर हॉर्न की रूफ एंड लेटरल वाल किससे बनी होती है हमारे टेपेटम फाइबर से, और जो उसकी मिडिल वाल पे हम कुछ एलिवेशन देख सकते हैं, जैसे कि ये है बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न जो कि फोर्से मेजर फाइबर के कारण होता है, और एक होता है कैल्करेविस, जो कैल्करेविस है वो हमारे कैल्कराइन सुलकस के कारण होता है।